वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें खेती किसानी संबंधी वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए। आज हमारे नेताओं ने विशेषकर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी ने, उनने भी कहा, विधायक जी ने, सांसद जी ने, कि 28 मार्च आ रहा है और अभी किसानों को 28 मार्च तक खरीफ की जो फसल है उसका कर्जा जमा करना पड़ता है। और अभी कई किसानों ने यह कहा है कि 28 मार्च को फसल नहीं आ पाती, सोयाबीन की आई तो उसमें गड़बड़ हो गई, थोड़ी फसल अच्छी नहीं आ पाई। ये जो मैं 2000 करोड़ डालने की बात कह रहा हूं ना, इनमें राहत के राशि के भी पैसा है मेरे भैया, चिंता मत करना, वो भी दूंगा, पाई पाई वो भी आ रहा है। एक किस्त आ रही है 23 मार्च को, और उसके बाद फसल बीमा योजना का भी पैसा दिलवाऊंगा, चिंता मत करना, जितना नुकसान हुआ पूरी भरपाई करवा दूंगा, कोई चिंता मत करना। पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को मैं कह रहा हूं, और 28 मार्च तक अगर पैसा जमा नहीं कर पा रहे तो पैसा भरने की, बैंकों में जमा करने की तारीख भी बढ़ा दी जाएगी, आप चिंता मत करना।